सो हे देयर, वेलकम बैक गाइस अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले तो यार आपको वेरी हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत नए साल की आपको शुभकामनाएं। आज है 3 जनवरी 2019 और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं T20 की प्लेइंग 11। इसके पहले अपन दिसंबर में बना चुके हैं ODI और फिर टेस्ट की, इन दोनों की अपन पूरी साल की प्लेइंग 11 बना चुके हैं। और आज स्पेशली इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं T20 की प्लेइंग 11, यानी कि T20 XI ऑफ 2018। तो बात है यार T20 की, तो आपके ओपनर्स बहुत ही दमदार रहने चाहिए। T20 में आपको एक बहुत ही अच्छी शुरुआत में पार्टनरशिप चाहिए। तो शुरुआती की जो दो ओपनर्स हैं उनकी बात करें तो शिखर धवन और रोहित शर्मा, भाई ये दोनों ही आपकी ओपनिंग साझेदारी बेस्ट है इस पूरे साल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रन टॉप पे शिखर धवन रहे हैं इस साल और फिर सेकेंड नंबर पे रोहित शर्मा रहे हैं। तो इन दोनों ने ही सबसे ज़्यादा रन जोड़े हैं इस बार, तो टॉप पे तो यही रहने वाले हैं आपकी ओपनिंग, रोहित शर्मा और शिखर धवन करते दिखाई देंगे। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे नाम आता है उस खिलाड़ी का जिसकी T20 ICC T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 बैट्समैन आए हैं, वो है भाई बाबर आजम का ये साल बहुत ही अच्छा रहा है और साथ ही साथ फ़खर जमान का भी साल अच्छा रहा है, पर फ़खर जमान इस टीम में अभी जगह नहीं बना पाए हैं, पर तीसरे नंबर पर बाबर आजम आएंगे। चौथे नंबर पर बात करें तो चौथे नंबर पर यार दो ऑप्शन थे आपके पास, डार्सी शॉट भी है आपके पास और आपके पास ग्लेन मैक्सवेल भी है, पर यहाँ ग्लेन मैक्सवेल एक अच्छे ऑलराउंडर है और T20 रैंकिंग्स में वो नंबर 1 ऑलराउंडर है, तो चौथे नंबर पे यहां ग्लेन मैक्सवेल का नाम आता है। पांचवें नंबर पे आपको एक विकेट कीपर चाहिए, अब क्योंकि मैंने बहुत सारे तलाश करे यहां विकेट कीपर नहीं मिल रहा था डंका, तो आपके पास ऋषभ पंत है और दिनेश कार्तिक है, ये दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है विकेट कीपिंग में, तो यहां पंत के साथ जाता हूं मैं। पंत थोड़े यार अभी यंग है, एग्रेसिव मोड में है, तो यहां ऋषभ पंत पांचवें नंबर पे आएंगे। छठवें नंबर पे बात करें तो आपको एक एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर चाहिए, तो छठवें नंबर पे शाकिब अल हसन बेस्ट ऑप्शन रह सकते हैं। सातवें नंबर पे राशिद खान थोड़ा आपका बल्ला और चला देंगे, थोड़े और रन आखिरी में बना देंगे। आठवें नंबर पे बात आती है अब बॉलर्स की, तो आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें पे, तो आपके पास आठवें नंबर पे यहाँ कुलदीप यादव है, कुलदीप यादव का फॉर्म अच्छा रहा है, अच्छी बॉलिंग करी है इन्होंने इस साल। आखिरी के जो तीन है 9, 10, 11 तीनों पे ही आपको अच्छे फास्ट बॉलर्स चाहिए। फिर सबसे पहले नाम आता है एंड्रयू टाई का ये साल बहुत ही अच्छा रहा है, अराउंड 40 से ज़्यादा उन्होंने विकेट्स लिए हैं। उसके बाद नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के बिली स्टांक लेग और सबसे आखिरी में बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान। सो गाइज, ये है T20 प्लेइंग 11 ऑफ 2018। एक बार फिर से पूरी प्लेइंग 11 को रिकॉल कर लें तो ओपनर्स रहेंगे आपके शिखर धवन और रोहित शर्मा जो इंडिया से हैं, तीसरे नंबर पे आएंगे पाकिस्तान के बाबर आजम, चौथे नंबर पे आएंगे ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल जो आपको एक थोड़ा बॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, पांचवें नंबर पे आएंगे इस टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत जो इंडिया से हैं, छठवें नंबर पे आएंगे बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, सातवें नंबर पे अफगानिस्तान के राशिद खान, आठवें नंबर पे इंडिया के कुलदीप यादव, नौवें नंबर पे एंड्रयू टाई जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, दसवें नंबर पे मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं और आखिरी में ग्यारहवें नंबर पे बिली स्टांक लेग जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो गाइस, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बताओ यार, आप इसमें कुछ भी चेंजेस चाहते हो, कोई एक नए खिलाड़ी को ऐड करना चाहते हो, किसी को बाहर करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके मेरे को बिल्कुल बताना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। वीडियो को लाइक कर देना।